हेलो पीपल, मैं अल्तमश खान, आपका दोस्त और इस महफिल का होस्ट फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने। सो क्या देख रहे थे हम लोग? आज थोड़ा सा खुशी का माहौल है क्योंकि हम हमारे सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ आर वेरी लास्ट चैप्टर विच इज करेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। तो भाई साहब, हाउ वॉज द शो? क्या बोलते हो? वॉज दैट गुड? वॉज दैट द बेस्ट? आप बताओ सर। वो तो अरे मैं कैसे बता दूं यार, यू आर द किंग, आप लोग बताओगे। आई होप आई ट्राइड मेकिंग इट द बेस्ट। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, हाउ डू यू सी इट? सो बेबीज, हाउ हैव यू बिन? क्या हाल है? यार सर फिर शुरू हो गए। अरे ठीक है ना, अरे कर लिया करो ना कभी कभी। तो क्या क्या देखा भाई पिछले कुछ दिनों में? अभी हमने करेस्पॉन्डेंस वाला सेगमेंट देख रहे थे। सबसे पहले हमने हमारा डायरेक्टर्स देखा, करेस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर। एक सेक्रेटरी जब डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, किन किन सर्कमस्टांसेस में करेगा, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम देख रहे हैं इसके उसके बाद हमने देखा कि जब एक सेक्रेटरी बैंक के साथ करेस्पॉन्डेंस करेगा तो किस किस तरीके से करेगा, किन किन सर्कमस्टांसेस में करेगा। आज हम देखेंगे कि एक सेक्रेटरी को क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना होगा जब वो करेस्पॉन्ड कर रहा हो किससे, हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से। ठीक है सर, देखते हैं। आओ तो फिर चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं कौन कौन सी, क्या क्या है, किस क्यों है और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्यों इनको बनाया गया है। सबसे पहले तो देखो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, ये एक मिनिस्ट्री है। किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज को कंट्रोल कर रही है, किस चीज पे इसकी देखरेख है? हमारे जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, हमारे कंपनी के अंदर जितने भी अफेयर्स हैं, जो भी काम कर रही है हमारी कंपनी, इन सारी चीजों के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा या इसके ऊपर जो कंट्रोल रखेगा वो कौन रखेगा, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने पावर जो है ना, बहुत सारी अथॉरिटीज को डेलीगेट करके रखे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी बर्डन है बहुत सारी, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। अब अगर वो पर्सनली हर कंपनी के मैटर्स में देखेगी कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो फिर भाई हो गया काम कल्याण। तो उसने क्या किया है ना, अपने पावर्स को बहुत सारी अथॉरिटीज में डेलीगेट करके रखा है। अब आज हम यही सब देखने वाले हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, किस किस को क्या क्या पावर्स डेलीगेट की गई हैं, सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। फिर भाई हम देखते हैं हमारे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, इनको कैसे भूल जाए भाई, ये तो हमारे एसेंस है हमारे कंपनी लॉ का। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के बिना तो कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है सर। अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ना होता तो क्या कोई और कंपनी होती? नहीं होती। अच्छा, ये वही वाला सवाल हो गया कि सर पहले मुर्गी आई या अंडा, बताओ पहले रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आया या फिर कंपनी आई, ये तो आप ही को डिसाइड करना है सर। देखो ये मुर्गी आई या अंडा, ये वाला इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि इसको बनाया क्यों गया था, इसके क्या फंक्शंस थे, इसके क्या पावर्स थे, ये मुझसे जान लो आप। ठीक है सर, उसके बाद हम देखेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हमने एनसीएलटी की बात की थी,
हमारा एनसीएलटी जो है वो क्या देखता है, कंपनी में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कंपनी के जो सिविल केसेस होते हैं, वो सारी चीजों को कौन सुपरवाइज करता है, उसमें उसमें अपना ज्यूरिसडिक्शन कौन बताता है, किसका होता है पहले? भाई हमारे एनसीएलटी का होता है। ज्यूरिसडिक्शन यानी ज्यूरिसडिक्शन इज द पावर टू एक्सरसाइज देयर रोल, उनके क्या क्या रोल है, मतलब आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहां तक का है, आप कहां तक अपने पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे हमारे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है। सी, जो बंदा अपने एनसीएलटी से संतुष्ट नहीं है, उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, वो कहां जाता है, एनसीएलटी के पास जाता है। जैसे हम हमारे कोर्ट्स में भी हायरार्की देखते हैं ना, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, अगर हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये वैसे ही है। आप पहले एनसीएलटी के पास जाएंगे कोई भी सिविल सूट लेकर। सिविल सूट क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट को हम सिविल सूट कहते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास जाएंगे। एनसीएलटी के पास अगर जाने के बाद भी आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप कहां जाएंगे, फिर आप एनसीएलटी के पास जाएंगे, ठीक है सर। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिंपल साफ चुम्मा छोटे लफ्जों में मैं कहूं तो इट इज एज सेबी इज एज गुड एज पुलिस फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, फॉर स्टॉक मार्केट, और जो भी है फंक्शंस हैं, क्या है, क्यों बनी है, ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं विच शुड बी टेकन बाय अ सेक्रेटरी वाइल करेस्पॉन्डिंग विथ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फिर उसके बाद हम कुछ लेटर्स हैं उनके फॉर्मेट्स देखेंगे, थोड़ा बहुत उन पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेटर्स में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है सर। बताओ फिर क्या है, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है, जनरली सी द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू बहुत सारे अपने जो कंपनी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो क्या किए, कंपनीज एक्ट बनाकर खत्म किए। सी सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज प्राइमरीली कंसर्न विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कर रहा है, ठीक है, टू अनेबल स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि हमारे कॉर्पोरेट में अच्छे से फंक्शनिंग हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड सम पावर टू वेरियस अथॉरिटीज लाइक रीजनल डायरेक्टर, आरओसी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी एक्सेट्रा। अब ये सब क्या है, ये हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है सर। आओ जरा देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट फ्यू सच स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज इंक्लूडिंग सेबी विच इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है। अब वी शैल ऑल्सो स्टडी वेरियस टाइप ऑफ करेस्पॉन्डेंस अंडरटेकन बाय अ सेक्रेटरी विद दीज अथॉरिटीज, जो हमारा सेक्रेटरी है इन सब अथॉरिटीज के साथ कैसे करेस्पॉन्ड करेगा, यह भी हम हमारे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो भाई देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है, सबसे पहले यह देखते हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने थोड़े बहुत पावर्स डेलीगेट करें, क्या क्यों करें, टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसको क्या करने के लिए, उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं देखने के लिए अपने कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट करे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। अब एमसीए के पास क्या है,
MCA mainly concerned with administration of following acts. कौन कौन से एक्ट्स को हमारा MCA एडमिनिस्टर करता है, यानी उसके ऊपर रूल करता है, यानी उसको बनाता है, उसको मिटाता है, कौन से एक्ट्स हैं? सर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 है, भाई कंपटीशन एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये सारे एक्ट्स को कौन एडमिनिस्टर करता है? हमारा MCA करता है. MCA क्या कर रहा है? और MCA सुपरवाइज कर रहा है कुछ प्रोफेशनल बॉडीज को. कल को जाके जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर करोगे तो आपको इन्हीं बॉडी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अगर आपको CA करना है तो भाई आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा और रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आपको. अगर आपको CS करना है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, तो आपको ICSI के पास जाना पड़ेगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया के पास जाना पड़ेगा कि मुझे एनरोल करवा लो अपने इसमें. उसके बाद अगर आपको CMA करना है तो आपको कॉस्ट अकाउंट, ये अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा. तो ये सारी जो है ये आपकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती हैं, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं. तो इन सारी प्रोफेशनल बॉडीज को भी सुपरवाइज कौन कर रहा है? हमारा MCA कर रहा है. ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि हमारे MCA के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों बना, मतलब क्या ऑब्जेक्ट है हमारे MCA का. तो टू एडमिनिस्टर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजंस आ रहे हैं उनको एडमिनिस्टर करना है, इसे उन पे देखरेख करना है. ठीक है, एंड अदर अलाइड लॉज टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब ये अदर अलाइड लॉज जो बोल रहा है ये इन्हीं लॉज की बात कर रहा है जिनको ये एडमिनिस्टर कर रहा है. पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कॉम्पिटिशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, ये सारे एक्ट्स को, ये सारे लॉज को भी ये क्या करेगा? एडमिनिस्टर करेगा कंपनीज एक्ट के साथ साथ. ठीक है सर, टू क्विकली आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनीज एक्ट. भाई कंपनीज एक्ट के अंदर आपको जो कंप्लायंसेस करने के लिए कहा गया है एज अ कंपनी, अगर आपने वो सारी चीजें कंप्लाई नहीं किए हैं तो ये क्या करेगा? ये आपको क्विकली आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको बाहर निकाल लेगा कि भैया क्यों नहीं किया कंप्लायंस. ठीक है, ये किसके थ्रू करेगा, कौन करवाए, किससे करवाएगा, ये सब आगे देखेंगे. टू एनकरेज कंपनीज टू इंप्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड अडॉप्ट रीजनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस. भाई आपके कॉरपोरेट गवर्नेंस को, आपके कंपनी के एनवायरमेंट को, आपके कंपनी के काम करने के तरीकों को एडमिनिस्टर कर रहा है. क्या कर रहा है? उनको एनकरेज कर रहा है कि भाई आप अपने कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, आप अपनी कंपनी का जो एनवायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखो. उसके लिए MCA ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तो आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है. ठीक है, और क्या करना है? एक रीजनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, यानी तरीके से जस्टिफाइड आपकी बिजनेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं आप. ठीक है, टू प्रमोट फेयर कंपटीशन. अब मानो ना सारी कंपनीज को एक ही एक्ट आपको कंप्लाई करना होता है. क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013. अब मान लो अगर कुछ कंपनीज के लिए अलग एक्ट होते, कुछ कंपनीज के लिए अलग एक्ट होते, एक ही तरीके की कंपनी है लेकिन एक कंपनी के लिए अलग एक्ट है, एक कंपनी के लिए अलग एक्ट है, किसी को ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, किसी को कम प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो मार्केट में फेयर कंपटीशन हो पाता क्या? कंपनीज एक दूसरे से सही तरीके से, फेयर तरीके से कंपीट कर पाती क्या? नहीं कर पाती. इसीलिए सारी कंपनीज के लिए एक ही रेगुलेशन है, एक ही एक्ट है. क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है टू प्रमोट द फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. ठीक है सर, टू मेक अवेलेबल टू द पब्लिक कॉर्पोरेट डेटा. अब हमारी कंपनीज में, हमारे कॉर्पोरेट में जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी है जो
पब्लिक से पैसा उठाकर बैठी है, तो उस पब्लिक को जिसने उसको पैसा दिया है उस कंपनी को, उनका हक है कि नहीं कि कंपनी में क्या चल रहा है भाई हमको पता तो चले। तो इसके लिए हमने देखा है कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हमारे जो हमारा एमओए है, जो हमारा आर्टिकल्स है, जो हमारे मिनट्स हैं, जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे एनुअल रिटर्न्स हैं, मैं एक बार लिख दूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमारा एमओए है, हमारा एओए है भाई, हमारे मिनट्स हो गए, हमारी क्या है एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, एनुअल रिपोर्ट हो गई ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं ये पब्लिक को देखने का हक है क्योंकि उस पब्लिक ने उस कंपनी में पैसा लगाया है, तो ऑब्वियसली उनका राइट है। या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं तो वो इन सारी चीजों के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं। टू ऑफर वेरियस सर्विसेज टू स्टेक होल्डर्स, कितनी सारी सर्विसेज दी हैं हमको एज स्टेक होल्डर्स। मान लो अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो हमारे पास वोटिंग राइट है, हमारे पास राइट्स हैं कि हम कंपनी के लिए फैसले ले सकें, हम एज अ शेयर होल्डर्स अपने पावर्स किसको डेलीगेट करते हैं, डायरेक्टर्स को डेलीगेट करते हैं। तो ये पावर, पावर टू डेलीगेट द पावर हमको किसने दिया है, हमको एमसीए ने दिया है। ठीक है, अब समझो एमसीए ने ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं टू वर्क इन अ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज रिलेटेड टू द कंपनीज। एमसीए ने बहुत सारी बॉडीज बना के रखी हैं। क्या क्या बॉडीज बना के रखी हैं भाई, 7 रीजनल डायरेक्टर्स कहां कहां पे हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड शिलोंग। अब ये रीजनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। देखो बता ही देता हूं मैं, कंफ्यूज ना हो तुम लोग इसलिए। सी, हमारे जो 7 रीजनल डायरेक्टर्स है ना, दे आर इन चार्ज ऑफ 7 रीजन्स ऑफ इंडिया। जो 7 रीजन्स अभी हमने ऊपर देखे, ये जो डायरेक्टर्स हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ 7 रीजन्स ऑफ इंडिया। अब किस चीज के इंचार्ज हैं, दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इन देयर रीजन। अब ये लोग जो हैं, जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं, ये आरओसी के ऊपर है, मतलब आरओसी की जो वर्किंग है, आरओसी का जो काम है वो सही से प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब कौन देखता है, ये हमारे रीजनल डायरेक्टर्स देखते हैं। उसके अलावा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, अब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है सर, ऑफिशियल लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो आपकी जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उस कंपनी में जो भी प्रोसीजर होता है उस कंपनी को वाइंड अप करने का, वो सारी चीजें किसके थ्रू डील की जाती हैं, वो हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर के थ्रू डील की जाती हैं। हमारे कंपनी में एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और वो सारी ऊपर से लेकर नीचे तक कंपनी को वाइंड अप करने की प्रोसीजर में वहां पर होता है और अपना सुपरविजन देता है। सी, दे आर ऑफिसर्स अटैच्ड टू वेरियस हाई कोर्ट्स एंड हेल्प इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट। यानी कोर्ट ने आपके जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको भेजा है कि भाई कंपनी बंद करना है तो जाओ और सारी प्रोसीजर अकॉर्डिंगली फॉलो करो। ठीक है सर, अब इसके अलावा हमारे 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी भाई हमारे आरओसीज हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है। अभी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर क्या होता है आगे देखेंगे। 9 आरओसीज कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं, 9 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आरओसीज कम लिक्विडेटर्स हैं, यानी आरओसी का भी काम कर रहे हैं, लिक्विडेटर का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये सारी बॉडीज को एडमिनिस्टर कौन करता है, इनको अपने अपने पावर्स, इनको अपने पावर्स डेलीगेट कर रखे हैं, किसने कर रखे हैं, एमसीए ने कर रखे हैं। ठीक है सर, रीजनल डायरेक्टर देख लिया, हाँ ऑफिशियल लिक्विडेटर देख लिया, अब देखते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या होता है। भाई हमारा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या है, कितने बार देखा हमने ये, 300 बार, 500 बार,
रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कितने बार पढ़ लिया यार, देखो ना आखिरी तक नहीं पीछा छोड़ रहा, और ये कभी छोड़ेगा भी नहीं। चाहे तुम आज पढ़ाई करो, चाहे तुम कल को जाके जॉब करो, आरओसी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ गया है। अब आओ समझते हैं क्या है। सबसे पहले एक चार्ट बना लें, हल्का फुल्का चार्ट बनाते हुए चलते हैं साथ में, है ना। अब समझते हैं हमारा एमसीए, एमसीए क्या है। एमसीए को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स डेलीगेट कर रखे हैं, ठीक है सर, पावर्स डेलीगेट कर रखे हैं। अब एमसीए क्या काम करता है, एमसीए एडमिनिस्टर करता है किसको, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को। क्या कर रहा है एक एमसीए, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को एडमिनिस्टर कर रहा है। इसके अलावा भाई बहुत सारे और क्या कर रहा है, बहुत सारे जो दूसरे एक्ट्स हैं उनको भी एडमिनिस्टर कर रहा है। कौन से एक्ट्स हैं वो भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, फिर उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है 2008, क्या कर रहा है इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। उसके बाद हमारा क्या है भाई, कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, क्या कर रहा है इसको भी एडमिनिस्टर कर रहा है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सॉरी 1860, इसको भी एडमिनिस्टर कर रहा है। अब इसके अलावा हमारा एमसीए जो है ये क्या दे रहा है, ये सुपरविजन दे रहा है, सुपरवाइजेस किसको, प्रोफेशनल बॉडीज। अब ये प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी हैं, हमारी प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी हैं भाई, आईसीएआई है, फिर आईसीएसआई है, फिर ये सारे फुल फॉर्म लिख लोगे या लिखवाऊं, नहीं ना, ठीक है, फिर आईसीएमएआई है, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, जो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उनको कंडक्ट करवाती हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो हमारे कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको अपने आप को एनरोल करवाना पड़ता है। और इन सारी प्रोफेशनल बॉडीज को कौन एडमिनिस्टर करता है, हमारा एमसीए करता है, ठीक है सर। अब एक बार एमसीए के ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं, क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे एमसीए के, हमारे एमसीए के ऑब्जेक्टिव्स हैं सर, सबसे पहला आपने बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर एलाइड लॉज क्या करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है, ठीक है सर। सेकेंड आपने क्या बताया, नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने क्या देखा, एनकरेजेस टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है सर। इसके बाद क्या है भाई, फेयर कंपटीशन प्रमोट करता है, प्रमोट्स फेयर कंपटीशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एमसीए का, बताओ। अरे बुक से देख के बता दो ना, सामने तो रखी है बुक। मेक अवेलेबल, मेक अवेलेबल टू द पब्लिक डेटा, पब्लिक के लिए जो डेटा है उसको अवेलेबल करवाता है कि भाई पब्लिक देख सके, ठीक है सर, वेल एंड गुड। इसके बाद ऑफर वेरियस सर्विसेज किसे, टू स्टेक होल्डर्स, सर जी सर, स्टेक होल्डर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया अपने पावर्स डेलीगेट कर रखे हैं एमसीए ने, किस किस को कर रखे हैं, हाँ आप इसे ऐसे लिखो, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू एडमिनिस्टर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला क्या है, एमसीए इटसेल्फ, फिर एमसीए ने अपने पावर्स किसको डेलीगेट किए, 7 रीजनल डायरेक्टर्स को, ठीक है सर। फिर इन 7 रीजनल डायरेक्टर्स से 22 रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है सर। अब ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये क्या है हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है सर। फिर इसके बाद 9 ROCs कम, क्या है 9 ROCs कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं, उसके बाद हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं। आपने बोला सर ये 9 ROCs कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स का मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग क्यों लिखा, ऑफिशियल लिक्विडेटर और ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या फर्क है इसमें। सी यहां पर बोला गया है कि 9 ROCs कम ऑफिशियल लिक्विडेटर, यानी ROCs तो है ही, साथ में ऑफिशियल लिक्विडेटर का भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं ये सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर का ही काम कर रहे हैं, ये ROC का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमने देखा कि ये जो रीजनल डायरेक्टर है, ये रीजनल डायरेक्टर क्या है बताओ, क्या है, दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर इन देयर रीजन, अब सर आपने बोला कि ये ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या है, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी,
winding up of the company. ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया. अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या है. हमारे आरओसी और उसके पावर्स देखेंगे हम. ठीक है सर. द कंपनीज एक्ट 2013 हैज एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट आरओसी, टू अपॉइंट आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड एडमिनिस्टरिंग द कंपनीज एक्ट इन द स्टेट ओवर विच इट हैज ज्यूरिसडिक्शन. सी, ज्यूरिसडिक्शन क्या है? राइट टू एक्सरसाइज द पावर, राइट टू एक्सरसाइज द पावर. आपको जो राइट दिया गया है टू एक्सरसाइज द पावर, आपके ठीक है, बस इतना भी याद रखो, चलता. अब आगे देखते हैं कि आरओसी जो है आर फुल टाइम फील्ड ऑफिसर हु हैव वाइड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रिंग द कंपनीज एक्ट. क्या बोल रहा है ये? आरओसी के पास बहुत वाइड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. किसके रिगार्डिंग भाई? कंपनीज से रिलेटेड, कंपनीज से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं या जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, ये आपको किसके थ्रू पूरी करना है? आरओसी के थ्रू पूरी करना है. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की किसकी है? हमारे आरओसी की है. अब एक एक करके आरओसी की ड्यूटीज देखते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज दी गई हैं आरओसी को. भाई आरओसी हैव टू एग्जामिन द वेरियस डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद इट बाय द कंपनीज इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 2013. ये क्या कह रहा है? कंपनीज जब भी फॉर्म होंगी, इनकॉर्पोरेट होंगी, तो सबसे पहले क्या करती हैं? अपना एमओए, अपना एओए, क्या करती हैं ये? अपनी एप्लीकेशन फीस के साथ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना एमओए और ये भेजती हैं. प्रिस्क्राइब फीस के साथ किसको भेजती हैं? आरओसी को भेजती हैं. अब आरओसी क्या करेगा? ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करेगा. स्क्रूटिनाइज इज टू चेक, चेक करेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, इनको वेरीफाई करेगा सही है कि नहीं. इफ एनी डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय इट फाउंड डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसको रिसीव हुआ है और वो डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है, तो वो क्या करेगा? इट शैल आस्क द कंपनी टू रेटिफाई. रेटिफाई यानी टू करेक्ट. अपने डॉक्यूमेंट को वापस से रेटिफाई करो, करेक्ट करो, फिर वापस से मेरे पास आ जाओ. द डिफेक्ट और कंप्लीट द डॉक्यूमेंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम. भाई द आरओसी हैव टू टेक डिसीजन ऑन डॉक्यूमेंट्स filed with it and reply within 30 days from the date of filing the documents. मैंने जिस दिन आपको अपना document submit किया, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ROC मुझे बता देगा that if there is any need to rectify or to make any changes in my document. ठीक है सर. On payment of prescribed fees, all the documents filed or registered with ROC is available for inspection by the public and they can even ask for the copy of it. अब ये सारे documents जो हम ROC के पास जमा करते हैं, ये ultimately public documents होते हैं. यानी public का इस पे पूरा अधिकार होता है कि ये company के जो documents हैं, इन्हें check करे, इन्हें देखे और इनकी copies मंगवाए. भाई राइट्स होता है ये, हर जो हमारा पब्लिक है उसके पास राइट होता है कि ये सारी कॉपीज वो देख सकती है. आरओसी चार्जेस फीस फॉर फाइलिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स विद इट. द फीस आर चार्ज एज पर द रेट गिवन इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014.
2014 में ये हमारे कंपनीज के जो आरओसी फीस वगैरह फाइल करता है, इसके लिए क्या कितनी चीज के लिए क्या फीस, कितनी फीस फाइल करना है, कितनी फीस लेना है, ये सारे जो रेट्स हैं ये कहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमारे कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 के अंदर दिए हैं। तो ये जो रूल्स हैं इसमें जो भी रेट्स आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं उस हिसाब से आरओसी आपको चार्ज करता है। ठीक है सर, अब देखते हैं हमारे आरओसी के पावर्स क्या हैं, क्या क्या पावर्स हैं हमारे आरओसी के। तो बिसाइड द पावर वेस्टेड इन द आरओसी बाय कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज डेलीगेटेड सम ऑफ इट्स पावर टू आरओसी। हमारे कंपनीज एक्ट ने जो आरओसी को पावर दिए, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आरओसी को बहुत सारे पावर्स दिए हैं। क्या पावर्स हैं? कंपनीज एक्ट हैज गिवन फॉलोइंग पावर्स टू आरओसी: टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन द फर्स्ट एजीएम बाय पीरियड नॉट मोर देन 3 months। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने में फेल हो जाती है तो उसके पास टाइम होता है कि वो 3 महीने अपने एक्सटेंड करवा सकती है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपकी आरओसी आपको परमिशन दे ही दे, है ना। ये आपके आरओसी का, आपके आरओसी का ही डिसीजन होगा कि उसको वो देना है या नहीं देना है एक्सटेंशन। ठीक है सर, टू इंस्पेक्ट और कॉल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड अदर पेपर्स। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बुलवा सकती है वो, आपकी कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो दूसरी बुक्स हैं, मिनट बुक्स हैं, आपकी अकाउंट बुक्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली जितनी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स को क्या कर सकती है? बुलवा सकती है। क्यों? टू चेक, टू इंस्पेक्ट, टू सीक इन राइटिंग एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विथ रिगार्ड टू एनी डॉक्यूमेंट फर्निश्ड टू आरओसी। भाई आपने आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट दिया, आपने वो डॉक्यूमेंट क्यों दिया, आपने वो डॉक्यूमेंट क्यों दिया, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको लिखित में देनी पड़ेगी अगर आरओसी ने आपसे मांगी तो। ठीक है सर, सीक द स्पेशल कोर्ट टू इश्यू एन ऑर्डर फॉर सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी इफ द आरओसी फील्स दैट सच रिकॉर्ड्स मे बी डिस्ट्रॉयड ऑल्टर्ड और फॉल्सिफाइड। कोई कंपनी है जिसने कोई ना कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है जिसके वजह से आरओसी भड़की हुई है, अब आरओसी ने क्या किया, आरओसी ने ना कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ला दिया, कंपनीज को बोल दिया कि भैया इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनकी कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो बहुत क्रूशियल हैं, इनको सीज किया जाए, इनको इनकी कस्टडी से हटाया जाए, इनको अपने पास रखा जाए ताकि उसमें ये लोग कोई चेंज ना कर सकें, उसे डिस्ट्रॉय ना कर सकें, या उसमें कोई गलत तरीके से अपने आप को सही ना दिखा सकें। ठीक है सर, टू स्ट्राइक ऑफ रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। हमने देखा था कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद एक रजिस्टर में, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी, उसमें हमारी कंपनी का नाम लिखता है, तो उसके पास ये राइट भी है कि वो अपने रजिस्टर में से आपके कंपनी का नाम हटा दे। ऑब्वियसली आपने कुछ तो भी मिसकंडक्ट किया है या फिर आपके ऊपर कुछ तो लायबिलिटी आई है जो आप चुका नहीं पाए, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, आपको सुना जाएगा कि क्यों ना हम आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करें। ये स्ट्राइक ऑफ जो है ना, ये पूरा एक चैप्टर होता है, आप जब आने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में परस्यू करोगे तब आप ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपको उतनी नीड नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा NCLT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो 2016 में जून में बनाई गई थी, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्वाजी जुडिशियल क्या होता है? सर क्वाजी जुडिशियल जो है मतलब ये एक अथॉरिटी है जिसको आपने कुछ जुडिशियल राइट्स दे रखे हैं कि ये
कुछ अपने फंक्शंस ऐसे परफॉर्म करती है जो हमारे इंडिया की जुडिशरी परफॉर्म करती है, यानी जो हमारे कोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करती है, लेकिन किसके लिए? हमारी कंपनीज के लिए। ठीक है सर, कंपनीज से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मैटर है, कोई भी सूट है, कोई भी केस है, वो कहां पे आता है? सबसे पहले एनसीएलटी में आता है। ठीक है सर, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट किया कि आप जो भी डिस्प्यूट हैं किसके अंदर, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, उनको हैंडल करो भाई। कॉर्पोरेट के सिविल डिस्प्यूट्स जो हैं आप हैंडल करो। द ट्रिब्यूनल ऑपरेट्स थ्रू बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ टू मेंबर्स, एक मेंबर होता है जुडिशियल मेंबर, दूसरा मेंबर होता है टेक्निकल मेंबर, यानी दो लोगों की बेंचेस होती है। जैसे हमारे कोर्ट में जजेस की बेंच होती है, वहीं पे हमारे ट्रिब्यूनल में दो लोगों की ब्रांचेस होती है, जो होते हैं एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक क्या होता है, हमारा टेक्निकल मेंबर होता है। एट प्रेजेंट देर आर 15 ब्रांचेस एंड द प्रिंसिपल बेंच इट इज एट न्यू दिल्ली। 15 ब्रांचेस हैं, जिसमें से हमारी जो प्रिंसिपल बेंच है वो है हमारी न्यू दिल्ली पे। फ्यू मोर बेंचेस आर बीइंग क्रिएटेड, और भी जो बेंचेस हैं वो बनाई जा रही हैं। और द ट्रिब्यूनल हैज टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन और पिटिशन विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग इट। आपके पास, आपके ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी के पास कोई केस आया, आपने इसको क्या करना है? आपने इसको इंस्पेक्ट करना है, आपने इसको कंक्लूड करना है, और कंक्लूड करना है और इसमें आपको फैसला सुनाना है, यानी ऑर्डर पास करना है। कब तक? आपको ये 3 महीने के अंदर करना है। 3 महीने के अंदर आपको इसका फैसला करना है कि जो भी मैटर है उसको आपको सॉल्व करना है। कब तक करना है? 3 महीने के अंदर करना है। कब से? जब, जिस दिन आपके हाथ में कोई कंप्लेन फाइल हुई है। ठीक है सर, इट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट्स और प्रोसीडिंग्स विच इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको आपके जो है ज्यूरिसडिक्शन बताए जाएंगे, आपको आपके प्रोसीडिंग्स बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही करना है। बिफोर पासिंग इट्स ऑर्डर द ट्रिब्यूनल गिव्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सी, वी हैव हर्ड दिस बिफोर, आई टोल्ड यू दिस कि भैया आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपका पक्ष भी सुना जाएगा। आप किसी के अगेंस्ट, आप अकेले एक पार्टी का सुनकर उसके अगेंस्ट फैसला नहीं दे सकते, जो अदर पार्टी है आपको उसकी भी बात सुनना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कंसर्न पार्टी टू जस्टिफाई देयर केस, है ना। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी कैन बी मेड टू नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। यानी अब आप इस कंपनी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, आप इस कंपनी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे एनसीएलटी ने आपको जो भी ऑर्डर पास किया है इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कहां जाते हैं? आप जाते हैं एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी हमने एनसीएलटी आगे पढ़ना है, हम अपने एनसीएलटी के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, तो हमने अपील कर दी कहां पे? एनसीएलटी के पास, अपेलेट ट्रिब्यूनल पे। अब हमारे एनसीएलटी के पावर्स क्या हैं? भाई, इट विल हेयर एंड डिसाइड ऑल द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। अब मान लो आपकी कंपनी को बंद करने के लिए आपके मेंबर्स ने क्या किया है, भाई एप्लीकेशन डाल दिया कि नहीं कंपनी काम नहीं कर रही, सही से कंपनी नहीं चल रही है, हमको नहीं रहना है यहां पे, इसको बंद करो।
तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सुनेगी, समझेगी, और अगर वहां पे उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उस चीज को रीअरेंज किया जा सकता है, उस चीज में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कुछ, तो वो वैसा कुछ करेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी को बंद करना है, उसके लिए पिटीशन डाल दी, किसने, मेंबर्स ने डाल दी या किसी और ने डाल दी, क्यों डाल दी, क्योंकि भाई कंपनी अपने डेट्स नहीं दे पा रही है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है अपने डेट्स देने का, जो पैसा उसने लिया है वो वापस ही नहीं कर पा रही है, तो कंपनी को बंद करने के लिए जो पिटीशन फाइल करेंगे लोग, मतलब कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर देंगे, एनसीएलटी के पास आ जाएंगे कि भैया कंपनी बंद करो, हमारा पैसा दो, तो वो क्या करेगी, कंपनी उनको सुनेगी और डिसाइड करेगी क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। हियर एंड डिसाइड पिटीशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। भाई हमने एज ए कंपनी रीपेमेंट करने के लिए, जो हमने डिपॉजिट लिया था उसका रीपेमेंट करने के लिए, हमने एक्सटेंशन के लिए केस फाइल किया कि भैया हमको थोड़ा सा और टाइम दे दो, हम थोड़े और टाइम में हमारा जो भी डिपॉजिट है उसको हम रीपे कर देंगे, हम उसको रीपे कर देंगे, तो हमको थोड़ा सा टाइम में एक्सटेंशन चाहिए। सुनेगी, डिसाइड करेगी देना है या नहीं देना। हियर एंड डिसाइड केसेस पर्टेनिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसी एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा है, किसी एम्प्लॉय को ऑप्रेस किया जा रहा है, आपके कंपनी में मैनेजमेंट बहुत गलत तरीके से वर्क कर रहा है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो सुनेगी और डिसाइड करेगी। भैया कभी भी AGM और EGM बुला सकती है कंपनी की, हमने देखा था कौन कौन बुला सकता है, कौन कौन बुला सकता है, मेंबर्स बुला सकते हैं, पहले बोर्ड बुलवाएगा, फिर बाय द क्या, बाय द रिक्वेस्ट, रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर, फिर रिक्वेजिशनिस्ट बुलवा सकता है, अगर रिक्वेजिशनिस्ट के बुलवाने पे भी नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद वो NCLT के पास जाएगा और NCLT बुलवाएगी। याद है, अभी पढ़ा है बेशर्मो रिसेंटली, डायरेक्ट अ कंपनी नॉट टू डिस्पोज ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी एंड टू फ्रीज द असेट ऑफ अ कंपनी फॉर बींग यूज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कोई गलत एक्टिविटी की है, मिसकंडक्ट किया है, तो एक कंपनी को ऑर्डर देगी, उसको डायरेक्ट करेगी कि भाई अपने फंड्स को डिस्पोज ऑफ मत करो, अपने फंड्स को वेस्ट मत करो, और उनके असेट्स को क्या करेगी, उनके असेट्स को फ्रीज कर लेगी, फ्रीज कर लेगी यानी अपनी कस्टडी में ले लेगी। हियर एंड डिसाइड ग्रीवियंस ऑफ रिजेक्शन इन ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। भाई कंप्लेंट्स आपकी, अरे आपकी कंप्लेंट सुनेगी किस रिगार्डिंग, ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मान लो कोई कंपनी ने आपके शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं करने दे रही आपको, या किसी कारणवश आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे अपने शेयर, आप चाहते हैं कि आप ट्रांसफर करें लेकिन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइम पे आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ करके दो मैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है, हमने देखा था कि जो बंदा, जो अग्रीड पर्सन अपने NCLT के डिसीजन से, उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, वो कहां जाता है, वो हमारा NCLT के पास आ जाता है। कंपनीज एक्ट हैज एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप NCLT टू हियर अपील्स। देखो यहां पर यह अपील सुन रहा है, किसकी अपील सुन रहा है, जो अग्रीव्ड है, किसके ऑर्डर से, NCLT के ऑर्डर्स से, ऑर्डर ऑफ NCLT और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी। द NCLT वॉज सेटअप इन जून 2016, इट इज हेडेड बाय चेयरपर्सन एंड हैज मैक्सिमम 11 मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरमैन होगा, और उसके साथ 11 मेंबर्स होंगे, जिसमें से कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे।
ठीक है, एनसीएलटी इज ऑल्सो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी किसी, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या है, ये वो बोर्ड है जो कंपनी को बंद करवाने के लिए ऑर्डर पास करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसके, इससे जो अग्रीव्ड हैं, जो इसके ऑर्डर से ना खुश हैं, ये लोग भी कहां पे आएंगे, हमारे एनसीएलटी पे आएंगे और इसके पास आकर अपील करेंगे। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कंपटीशन को, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई मार्केट में गलत तरीके से कंपटीशन प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी गलत तरीके से बिजनेस तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें कौन देखता है, हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन है। इस कॉम्पिटिशन कमीशन ने किसी को, किसी के लिए ऑर्डर पास किया और वो उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो वो कहां आएगा, वो भी हमारा एनसीएलटी में आएगा। एनी पर्सन अग्रीव बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर वॉज मेड अवेलेबल। यानी इस बंदे को कॉपी मिल गई काय की, ऑर्डर की, कहां के ऑर्डर की, एनसीएलटी के ऑर्डर की, एनसीएलटी के ऑर्डर की। तो जिस दिन इसे कॉपी मिली उस दिन से इसके पास 45 डेज हैं कि भाई एनसीएलटी में अपील कर सकता है, और जब ये एनसीएलटी पे अपील करेगा तो जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो कंफर्म करेगा या फिर उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देगा या फिर उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। सेट असाइड कर देगा यानी कि ठीक है भाई तेरा हो गया, चल जा। सेट असाइड करेगा मतलब, सबसे पहले देखो, जो ऑर्डर आपने एनसीएलटी से लेके आया, आप उससे संतुष्ट नहीं थे इसलिए आप एनसीएलटी में आए, तो जो ऑर्डर एनसीएलटी ने दिया, एनसीएलटी ने दिया था, अब एनसीएलटी को लगता है कि नहीं वो ऑर्डर गलत था, यानी इस बंदे के साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर इसको कुछ और रेमेडी मिलना चाहिए, कुछ और तरीके से इसका कंपनसेशन होना चाहिए, या इसका जो ऑर्डर था ये ना होके कुछ और होना था। तो ये वाला जो ऑर्डर आपने एनसीएलटी ने पास किया है, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा और नया ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है सर, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी मे बी फाइल्ड बाय अग्रीव पर्सन टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। अब ये जो बंदा है ना भाई, ये बंदा हमारे एनसीएलटी से भी खुश नहीं है। तो जिस दिन इसके ऑर्डर की कॉपी इसके हाथ में आ जाएगी, यहां से इसके पास 60 डेज हैं टू अपील किसके आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे। अब एनसीएलटी के बाद भाई सीधे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आ गया भैया हमारा पुलिस वाला। सी, सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एज स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट को हमने रेगुलेट करने के लिए हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी जिसको हमने बोला सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, इट सुपरवाइज एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ स्टॉक मार्केट कंपनीज इशूइंग सिक्योरिटीज एंड इंटरमीडियरीज लाइक अंडरराइटर मर्चेंट बैंकर ब्रोकर। देखो स्टॉक मार्केट पता है, कंपनीज पता है, कंपनीज इशूइंग सिक्योरिटीज भी पता है, जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक में इशू कर रही है ये भी पता है, लेकिन ये इंटरमीडियरी क्या दे दिया, नई चीज। अब समझो ये इंटरमीडियरीज जो है ना, ये मिडिल मैन हैं सारे। जब भी कंपनी इशू लाती है तो इस इशू को सही तरीके से रन करने के लिए हमको, हमारी कंपनी को ये इंटरमीडियरीज जो होती है ना, ये हेल्प करती हैं, हमारी कंपनी को हेल्प करती हैं ये इस इशू को सही से परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे हमने अंडरराइटर देखा, अंडरराइटर क्या है,
अंडरराइटर क्या है? अंडरराइटर यूजुअली क्या करता है, जब किसी कंपनी ने इशू किया और इसका इशू 90% सब्सक्राइब हुआ, 90% लोगों ने खरीदा, 100% ने नहीं खरीदा, मतलब इसने जितनी भी सिक्योरिटीज निकाली थी, मान लो 10,000 सिक्योरिटीज इसने मार्केट में लाई थी, जिसमें से सब्सक्राइब कितनी हुई, 9,000 ही हुई, यानी 90% हुई, 1,000 नहीं हुई। तो अब ये 1,000 सिक्योरिटीज को क्या करेगा ये अंडरराइटर, ये अंडरराइटर सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। तो हम पहले ही अंडरराइटर को अपॉइंट करके रखते हैं इशू के टाइम कि भैया कल को अगर हमारी सिक्योरिटीज नहीं सब्सक्राइब होती हैं तो प्लीज आप कर लेना, ठीक है सर। अब देखते हैं और क्या कह रहा है, मर्चेंट बैंकर भी ऐसे ही है। मर्चेंट बैंकर का तो और वाइड रोल होता है, शुरू से लेके आखिरी तक के सारे काम जो हैं इशू से रिलेटेड वो सारे मर्चेंट बैंकर देखता है, इसको भी हमको अपॉइंट करना पड़ता है, ये फर्म्स होती हैं, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर पता ही है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, कौन कर रहा है, हमारा सेबी। सबसे मेन रोल क्या है इसका, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हमारे इन्वेस्टर्स, जो भी सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज में, उनके प्रोटेक्ट को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है हमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज आर टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड द स्टॉक एक्सचेंज टू एंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। किसको रेगुलेट कर रहा है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है। तो ये क्या इंश्योर करेगा, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कौन, सेबी इंश्योर करेगा कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी आपने सिक्योरिटीज मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई मिसकंडक्ट नहीं कर रहा है, कोई गलत तरीके से अपना बिजनेस नहीं चला रहा है। तो ये सारी चीजों पे किसकी निगरानी रहती है, हमारे सेबी की निगरानी रहती है। ठीक है सर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल द इन्वेस्टर्स, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, सारे इन्वेस्टर्स का आपको प्रोटेक्ट करना है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जो भी एक इन्वेस्टर के राइट्स हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा, सेबी करेगा। टू रेगुलेट द मार्केट इंटरमीजरीज एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फेयर प्रैक्टिस बाय दीज इंटरमीजरीज। अब हमने देखा कि ये जो इंटरमीजरीज हैं, ये जो मिडिलमैन हैं, इन लोगों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कि भाई इस तरीके से ही आपको मार्केट में प्रैक्टिस करना है, अगर इसके अलावा कोई और गलत, कोई और रॉन्ग प्रैक्टिस की तो धर लिए जाओगे, ठीक है सर। अब हम आ गए हैं हमारे करेस्पोंडेंस वाले सेक्शन में। अब हमको देखना है कि जब हमारा सेक्रेटरी इन अथॉरिटीज से करेस्पॉन्ड करेगा तो उसको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, एग्जैक्ट सेम एज वी हैव लर्न्ड अर्लियर। प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना है, डिले नहीं करना है रिप्लाई में, जितना जल्दी हो सक रहा है उतना जल्दी रिप्लाई देना है। भाई लीगल एस्पेक्ट व्हाइल रिप्लाइंग टू एनी लेटर रिसीव्ड फ्रॉम दीज स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर दैट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज और प्रोविजंस आर प्रॉपरली फॉलोड। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करनी है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, आई एम टेलिंग यू। अगर कहीं पे भी चूके तो भैया सेक्रेटरी आ जाओ, क्या है ये, क्या बदतमीजी है, क्योंकि आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को भेज रहे हो यार, अथॉरिटीज से करेस्पॉन्ड कर रहे हो, तो यहां पर आप कुछ उठपटांग नहीं कर सकते। वेयर नेसेसरी सेक्रेटरी शुड एनक्लोज Required documents, proof, etc. Enclose करना मतलब अपने applications के साथ सारे documents which are necessary
वो क्या करेगा, अपने लेटर के साथ अटैच करके भिजवा देगा। एक्यूरेसी होनी चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन जो भी वो दे रहा है उसमें कोई भी गलत बात या कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें ट्रू एंड फेयर एंड करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है सर, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी लेटर वो लिख रहा है, जैसे भी करस्पॉन्ड कर रहा है, भाई इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना, या फिर आप कोई भी क्वेरी को रिप्लाई कर रहा है अथॉरिटी की, तो तुझे ध्यान रखना है कि तू सारी इन्फॉर्मेशन प्रिसाइजली कन्वे करे भैया, एक्सप्लिसिट एंड सिंपल मैनर। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है भैया, खुद से होकर जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दी मैंने, प्रिसाइजली बता दी, जितना ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसको सारी बता दी कम शब्दों में, ठीक है, और सिंपल मैनर में होना चाहिए, ज़बरदस्ती का तामझाम नहीं चाहिए। ब्रेविटी, केयर शुड बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द अथॉरिटीज टू कीप द लेटर शॉर्ट एंड ब्रीफ। अब तुमने 300-400 पन्नों का लेटर लिख के भेज दिया, इतना टाइम है क्या आरओसी के पास पढ़ते बैठेगी? जितना ज्यादा ब्रीफ हो सकता है उतना ज्यादा ब्रीफ करो, जितना ज्यादा कट शॉर्ट हो सकता है उतना ज्यादा कट शॉर्ट करो, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो नहीं मिस होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए, जो चीज आप कन्वे करना चाह रहे हो वो मिसकम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, कर्टिसी, कर्टियस होना चाहिए, जैसे हमने एक लेटर में देखा था कि हम्बली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी दिस दिस दिस, कितना अच्छा लग रहा था वो, तो कर्टियस होना चाहिए। आप जब लेटर लिखो तो आपको सामने वाले को पढ़ते टाइम लगे कि हाउ कर्टियस दिस मैन इज हु हैज रिटन द लेटर। एवरी करेस्पॉन्डेंस विथ ऑल स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज शुड बी कर्टियस, दिस क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर। अब ये हमारे स्पाइसमैन लेटर्स आ गए, कुछ चार लेटर्स हैं, हम लेटर्स देखना है, एग्जैक्ट सेम, बस कंटेंट में थोड़ा फर्क आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी कंटेंट देख लिया उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। लेट्स सी, करेस्पॉन्डेंस विथ आरओसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, कितना एक्सटेंशन मिलता बताओ? 3 महीने का। इफ कंपनी कैन नॉट होल्ड इट इट्स AGM विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, इट हैज टू सीक एन अप्रूवल फ्रॉम आरओसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू होल्ड AGM। द आरओसी कैन गिव एन एक्सटेंशन ऑफ अप टू 3 months, 3 month तक का आपको एक्सटेंशन दे सकती है। सम ऑफ रीजन वाई अ कंपनी मे नॉट बी एबल टू होल्ड इट्स AGM ऑन टाइम मे बी, कुछ रीजन हैं जिस वजह से आप मीटिंग नहीं कर पाए, मोस्ट डायरेक्टर्स आर ट्रेवलिंग एंड सो कैन नॉट अटेंड AGM। सारे डायरेक्टर्स जो हैं, जो हमारे कोरम कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टर्स नेसेसरी होते हैं, उतने डायरेक्टर्स हैं ही नहीं, दे ऑल आर ट्रेवलिंग, इसलिए हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। भाई स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स विच हैज स्टॉप्ड ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, हमारे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर रखी है, हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हम जो जरूरी एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, हम वही नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्राइक चल रही है भाई कंपनी में। रेड बाय अथॉरिटीज़ दैट इज़ इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थी आपकी कंपनी में, इस वजह से आप AGM नहीं होल्ड कर पाए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अप्रूव्ड, नॉट ऑडिटेड, इनकम्प्लीट ऑडिटेड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी लॉस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ये सारे हमारे जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सब या तो इनकम अप्रूव नहीं हुए हैं, या तो ऑडिट नहीं हुए हैं, अगर ऑडिट नहीं हुए हैं इनकम्प्लीट ऑडिट हुए हैं, भाई कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, बिल्डिंग गिर गई, तो हमने AGM नहीं कर पाई, तो इसलिए अब हमको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको? आरओसी को। सारा सेम, सब कुछ सेम, सब्जेक्ट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग 8th एनुअल जनरल मीटिंग। भाई मेरा लैपटॉप है जिंदा। सी डियर सर, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 96 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी शैल इन ईच ईयर होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग।
सी हमने देखा था ओपीसी, आपका ओपीसी जनरल, ओपीसी को एग्जेम्पशन है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं भी किया तो चलता है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, एजीएम करना जरूरी नहीं। हेंस एज पर द एक्ट कंपनीज मस्ट होल्ड इट्स 8th एजीएम ऑन और बिफोर 30th सितंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो भी है। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आर एम्प्लॉयज हैव बीन ऑन स्ट्राइक, जो भी रीजन था दैट इज वाई वी हैव नॉट एबल टू, क्या है जो भी सर्कमस्टांसेस आए, हमारे अकाउंट्स जो थे वो फाइनलाइज नहीं हुए थे, इसलिए हमने मीटिंग नहीं कर पाई, तो प्लीज रिक्वेस्ट अस, प्लीज ग्रांट अस, वी रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अस एक्सटेंशन ऑफ 2 months फॉर होल्डिंग एजीएम। ये क्या किया, ये हमने हमारा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर लिया, किससे, आरओसी से। सारा कंटेंट हमको वहीं पे दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बट बस कंसेप्शुअल क्लियरिटी रखना है और थोड़ी बहुत अपने हिसाब से इंग्लिश में उसको लिख देना है। ऐसा नहीं भी लिखा ना तो चलेगा, सेक्शंस नहीं लिखे तो चलेगा, डेट्स अपने हिसाब से लिखी तो चलेगा, बस कंसेप्चुअली क्लियर रहो। सैल्यूटेशन लिख दिया, योर्स फेथफुली, ये देखो एनक्लोजर में कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, हमने अपने एनुअल रिपोर्ट की कॉपी भेज दी, एक्सटेंशन चाहिए था तो हमारे एनुअल रिपोर्ट की कॉपी भेज दी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, लेटर टू एमसीए फॉर टिकट रेजिंग और अदर सर्विसेज रिलेटेड टेक्निकल कंप्लेंट्स। अब ये क्या कह रहा है, टिकट रेजिंग और अदर सर्विसेज रिलेटेड टू टेक्निकल कंप्लेंट्स, समझो दीज डेज कंप्लायंसेज हैव टू फाइल वेरियस डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली विथ एमसीए पोर्टल। एमसीए में जाकर आपको बहुत सारी ऐसे वेरियस फाइल्स हैं जो आपको किसको सबमिट करना होता है, एमसीए के पोर्टल में जाके कंपनीज को। हाउएवर मेनी अ टाइम कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू अपलोड और डाउनलोड एन ई फॉर्म और पुट सिग्नेचर ऑन एन ई डॉक्यूमेंट। इन सच इंस्टांस द कंपनी हैज टू रेज अ टिकट विद एमसीए, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इज जनरेटेड विच इज टू बी मेंशनड ऑन द चालान। राइजिंग अ टिकट मीन्स इन्फॉर्मिंग डिफिकल्टीज इन अपलोडिंग ई फॉर्म। ये सारे जो हमको फाइल्स सबमिट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कभी कभी वेबसाइट में एरर की वजह से या टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम ये नहीं कर पाते हैं, तो हम कंपनी को लेटर भेज रहे हैं कि भाई हम ये जो है ना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको एक टिकट रेज करनी है कि हमने ट्राई किया था, हमने ट्राई किया था कि वेरियस जो फाइल्स थी हमारी उनको हमने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली एमसीए के पोर्टल में अपलोड करने का या उसे उन्हें डाउनलोड करने का ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं फॉर टिकट रेजिंग और अदर सर्विस रिलेटेड टू टेक्निकल कंप्लेंट। किसी टेक्निकल कंप्लेंट की वजह से, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लेटर लिख रहे हैं कि भाई हमको एक टिकट रेज करके दे दो ताकि हम इलेक्ट्रॉनिकली हमारे जो फॉर्म्स हैं वो अपलोड कर सकें। सी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग ई फॉर्म, कंपनी नीड्स टू फाइल फॉर्म SS7 टू इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अबाउट द ऑल्टरेशन मेड इन आर शेयर कैपिटल। However, since the last 2 days were unable to download the form, अब हमने जो form download करना था, किस चीज का form download करना था, हम भैया हमारे share capital में alteration करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमको जो form download करना था MCA के portal से, वो form हमारा download ही नहीं हो रहा था due to some technical glitch. द फाइल इज डैमेज्ड एंड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, द सिस्टम मैसेज स्टेट्स कि आपकी फाइल जो है वो डैमेज हो चुकी है एंड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ये आपका एमसीए पोर्टल का सिस्टम कह रहा है, ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है इन लोगों ने, मतलब लोग करते हैं, होता भी ऐसा ही है, लेकिन अब तुम लोगों को कैसे पता चलेगा ये सब कैसे होता है, तो आपको ये फॉर्मेट एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। इसके अलावा और जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं जो आपको दिया ही नहीं है, जो आगे जाके देखोगे आप, ठीक है, तो भाई ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो फॉर्म डाउनलोड नहीं हुआ,
We have tried our best to resolve the issue but failed. Hence, we request you to look into the matter at earliest. भैया देखो यार क्या दिक्कत आ रही है आपके MCA के पोर्टल में, इसलिए हमने लेटर भेजा है किसको, ROC को या MCA को। ठीक है सर, क्या भेजा? कॉपी ऑफ द मैसेज एज अपियरिंग ऑन वेबसाइट, जो भी हमारे वेबसाइट में हमारा मैसेज अपियर हो रहा था उसकी हमने एक कॉपी MCA को भेज दी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अब देखो, रिप्लाई टू अ कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर, ये सारे करेस्पॉन्डेंस कौन कर रहा है? हमारा सेक्रेटरी कर रहा है, हमारा कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है। अब देखो, इन्वेस्टर कैन कंप्लेन टू अ कंपनी ऑन वेरियस ग्राउंड लाइक नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड नहीं मिला, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, नोटिस नहीं मिला, एजेंडा नहीं मिला, एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली। तो क्या किया इन्वेस्टर ने? कंप्लेन रेज किए। अ कंपनी हैज टू रिप्लाई टू ऑल सच कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय इट इमीडिएटली, इफ नॉट इन्वेस्टर मे अप्रोच अ स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और सेबी एंड दे मे इशू ऑर्डर टू कंपनी अबाउट द सेम। कंपनी हैज टू सेटल द इशू बाय गिविंग रिप्लाई टू द इन्वेस्टर एंड सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे जो मेंबर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसने कंप्लेन रेज की है, उनको इमीडिएटली आपको रिप्लाई करना है। आपका कंपनी सेक्रेटरी क्या कर रहा है? इमीडिएटली रिप्लाई करना है। अगर नहीं किया तो इन्वेस्टर्स सेबी के पास चले जाएंगे या स्टॉक मार्केट पे चले जाएंगे और वहां पर जाके कंप्लेन कर देंगे। तो फिर जब वो वहां पर कंप्लेन करेंगे तो सेबी हमारी कॉलर पकड़ेगी कि क्या बे क्या चल रहा है। तो ये ना हो, इसलिए हम इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसको, हमारे मेंबर्स को। सी, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर AD, ठीक है, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है सर, वी आर इन रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड 28, जो भी इस बंदे ने लेटर भेजा होगा, नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, आपको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली। एज पर द कंपनीज एक्ट द कंपनी हैड सेंट बाय पोस्ट टू ऑल द मेंबर्स द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग अलॉन्ग विथ एनुअल रिपोर्ट वेल इन एडवांस एज पर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट यू हैव नॉट रिसीव द नोटिस एंड द एनुअल रिपोर्ट, हैंस वी आर वंस अगेन सेंडिंग यू द सेम टू द एड्रेस मेंशन इन योर लेटर। भाई भाई मत जा, तू सेबी वगैरह के पास मत जा, तेरे को नहीं मिली, हमने भेजी सबको थी, सारे मेंबर्स को भेजी थी, लेकिन हमको नहीं पता तेरे को क्यों नहीं मिली, तो तू हमको माफ कर दे, हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से तेरे को एनुअल रिपोर्ट भेज दे रहे हैं। ठीक है सर, समझ गया, भेज दो। ये लेटर किसने लिखा? ये हमारे कंपनी सेक्रेटरी ने लिखा, साथ में क्या भेजा, एनुअल रिपोर्ट भेजा, और यहां पे देखो कार्बन कॉपी भी दिया है। यानी एक लेटर इन्वेस्टर को गया, या जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे जिनको प्रॉब्लम थी उनको गया, और एक लेटर किसको गया, हमारे सेबी को गया। कार्बन कॉपी हमने सेबी को रख दिया कि भैया देख लो, हमने बंदे को एनुअल रिपोर्ट पहुंचा दी, तुम गवा रहो। ठीक है सर, अब हमारा लास्ट क्या है, लेटर टू NCLT सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट। अब NCLT को लेटर लिखना है, हमको क्या करना है, हमको एक्सटेंशन सीक करना है कि भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, हम पब्लिक का डिपॉजिट जो है वो वापस कर देंगे। एक कंपनी NCLT को क्या कर रही है, लेटर लिख रही है टू सीक टाइम कि भैया हम हमारा जो रीपेमेंट रह गया है डिपॉजिट का वो हम कर दे रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा। पब्लिक डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 36 मंथ्स। कंपनी 36 महीनों के लिए ही डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से, और स्ट्रिक्ट एक्शन आर टेकन अगेंस्ट द कंपनी फॉर एनी डिफॉल्ट विथ रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। कंपनी कैन रिक्वेस्ट NCLT टू गिव एक्सटेंशन फॉर द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स क्या हैं, जो भी कंपनी ने डिपॉजिट्स ली है, पब्लिक से पैसा उठाई है,
ये 36 महीनों में उसे वापस करना होता है। लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पा रही है तो वो सीख कर सकती है एक्सटेंशन किससे, हमारे एनसीएलटी से, कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, डेट जिसको भेज रहे हैं, एनसीएलटी को भेज रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट को रीपे करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है सर। डियर सर, कंपनी हैड एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट वर्थ 10 लाख ऑन 1st जनवरी 2017 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। द डिपॉजिट्स आर टू बी रीपेड ऑन 31st दिसंबर 2018। हाउएवर एज द कंपनी इज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिपॉजिट ऑन द अबव मेंशन डेट। भाई कंपनी ने 1 जनवरी 2017 को डिपॉजिट्स लिए थे और कब वापस करने वाली थी, 31 दिसंबर 2018 को वापस करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी ने क्या किया, रीपे नहीं कर पाई। तो द बोर्ड हेल्ड अ मीटिंग ऑन 28 सितंबर 2018 एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन फ्रॉम एनसीएलटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months to repay deposits. Therefore, we wish to seek an extension of 2 months to repay it. भाई हाथ जोड़ रहे हैं आपके, NCLT सर हमको 2 महीने और दे दो, हम 2 महीने में पब्लिक का सारा पैसा, जो डिपॉजिट का पैसा है, वो वापस कर देंगे। कॉपी ऑफ द पिटिशन इज अटैच्ड इन 2 sets। वी अश्योर यू दैट द कंपनी विल रीपे द डिपॉजिट ऑन और बिफोर 28 फरवरी 2019। 28 फरवरी तक कंपनी पैसे वापस कर देगी, डिपॉजिट का पैसा जो भी लिया वो वापस कर देगी या फिर उसके पहले ही वापस कर देगी, ठीक है सर। हमारा एनक्लोजर में क्या क्या दिया, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड रेजोल्यूशन हमने पास किया था कि हम एक्सटेंशन सीख करते हैं एनसीएलटी से, ठीक है। पिटिशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जो भी हमने पिटिशन फाइल करी है कि भैया हमको टाइम एक्सटेंशन चाहिए थोड़ा सा, और चालान फॉर फीस पेड। अब ये एक्सटेंशन मांगने के लिए हमने चालान पे करना पड़ता है, एक फीस प्रिस्क्राइब फीस है, तो हमने वो जो फीस पे करी उसका चालान भी लगा दिया। ये हमारा योर्स फेथफुली, हमारे साइन कंपनी सेक्रेटरी का, डन। इतना ही तो था। अब ये लेटर्स को समझो, ये लेटर्स का कंसेप्ट जो है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करना है, और जब ये कंसेप्ट्स आपको रट जाएंगे कि भाई रात को भी 2 बजे भी नींद से उठा के कोई मेरे से पूछे कि भाई एमओए एओए और ये एक्सटेंशन और ये सब क्या होता है, तो तुम आंख बंद करके बता दो। जब तुम्हारे कंसेप्ट्स ऐसे हो जाएंगे ना, तुम अपने लेटर्स ऐसे लिखोगे, सारे प्रोविजंस तुमको क्लियर हो जाएंगे, तो तुम अपने लेटर्स ऐसे लिखोगे। अपने कंसेप्ट में ध्यान दो, अपने प्रोविजंस में ध्यान दो, लेटर्स सब फुद्दू हैं, कुछ भी नहीं है। देखो 3 marks तो तुम्हारे वैसे ही पक्के हैं यार, तुमने कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी का एड्रेस लिख दिया, सिन नंबर लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, फैक्स नंबर लिख दिया, भाई वेबसाइट लिख दी, ईमेल लिख दिया, डेट लिख दी, सामने वाले का एड्रेस लिख दिया, इतना तो कर सकते हो, मिल गए तुमको 3 marks। लेकिन शर्त है, हाँ, सिर्फ ये लिख के आ गए और मेन बॉडी छोड़ दी ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और ये सब लिख के आ गए, ये योर्स फेथफुली लिख के आ गए, कंपनी सेक्रेटरी के साइन मार के आ गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अंडा मिलेगा, अंडा। तो कुछ तो कंटेंट लिख कर आना, सेक्शंस याद नहीं है तो सेक्शन लिखना अवॉइड करना, लेकिन छोड़ कर मत आना, कुछ तो लिख कर आना, ठीक है सर। चलिए, वी हैव डेल्ट विथ ऑल आर चैप्टर्स ऑफ SP, दिस वॉज आवर लास्ट चैप्टर एंड द वेरी लास्ट कंसेप्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। अब तुमसे फिर से मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आएंगे फिर कुछ नया लेकर, करेंगे फिर थोड़ी सी और बातें, ठीक है, कभी अलविदा ना कहें। टिल देन,
पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।